राधे, जय श्री कृष्णा, जय बिहारी जी। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी परम मंगल में होंगे, अच्छे होंगे। सर्वप्रथम आप सभी को अक्षय तृतीया की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसी के साथ साथ आपको भगवान परशुराम के जन्मोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगर आप भगवान परशुराम से संबंधित अनसुने सत्य जानना चाहते हो तो इसकी वीडियो मैं नीचे बना चुकी हूँ, आपको लिंक नीचे मिल जाएगा, आप देख लीजिए। अब बोलते हैं कि अक्षय तिथि को अक्षय तिथि क्यों बोलते हैं, ये तिथि बहुत शुभ होती है, क्यों होती है, इस दिन आखिर ऐसा क्या क्या हुआ था। पहले तो मैं आपको बता दूं कि भारत में चार तिथियां हिंदू कैलेंडर के अनुसार, मैं भारत में इसलिए बोल रही हूं क्योंकि सनातन धर्म संस्कृति भारत में ही बची है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार चार तिथि ऐसी होती है जिसमें किसी भी मुहूर्त की कोई आवश्यकता नहीं होती, जो पनम पुनीत मानी जाती है। चैत शुक्ल प्रतिपदा, अक्षय तिथि, दशहरा और दीपावली के पूर्व जो प्रदोष तिथि आती है वो। ये चार तिथि हिंदू धर्म के अनुसार, हिंदू पंचांग के अनुसार अति उत्तम मानी जाती है। इसमें किसी भी प्रकार के कोई भी मुहूर्त की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अक्षय तिथि को अक्षय तिथि इसलिए बोलते हैं क्योंकि बोला जाता है कि ना क्षयति इति अक्षय, ना क्षयति इति अक्षय। जिस तिथि में किसी भी चीज का क्षय नहीं हो, चाहे वो हम दान कर रहे हैं उसका क्षय नहीं हो, चाहे वो हम भक्ति कर रहे हैं उसका क्षय नहीं हो, उसको मतलब वो अजर अमर हो जाती है चीज, इस पे किसी भी चीज का क्षय नहीं होता, इसलिए उसको अक्षय तिथि बोला जाता है। अक्षय तिथि वाले दिन क्या क्या हुआ था ये मैं आज आपको डिटेल में बताऊंगी। सबसे पहले अक्षय तिथि वाले दिन मैं आपको बताती हूँ कि भगवान परशुराम का जन्मोत्सव अक्षय तिथि वाले दिन ही मनाया जाता है। भगवान नर नारायण का अवतरण भी अक्षय तिथि वाले दिन ही बोला जाता है। बद्रीनाथ के कपाट भी अक्षय तिथि वाले दिन ही खुलते हैं। और साथ ही साथ शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि श्री कृष्ण जी से सुदामा जी का मिलन अक्षय तिथि वाले दिन हुआ था। महाभारत का युद्ध भी समाप्त अक्षय तिथि वाले दिन हुआ था। गणेश जी ने वेद व्यास जी के कहने पे अक्षय तिथि वाले दिन ही महाभारत को लिखना प्रारंभ किया था। और तो और हमारे ठाकुर जी, हमारे बिहारी जी, हमारे आराध्य भगवान श्री कृष्ण के चरणों के दर्शन भी अक्षय तिथि वाले दिन होते हैं। बाकी पूरे साल उनकी पोशाक से उनके चरण दर्शन नहीं हो पाते, पोशाक से चरण ढके रहते हैं, अक्षय तिथि वाले दिन ही उनके चरणों के दर्शन होते हैं। ऐसी भी मान्यता है कि अक्षय तिथि वाले दिन बिहारी जी के मंदिर में चरणों के नीचे ठाकुर जी के चरण के जो दर्शन होते हैं उसमें उनको पायल पहनाई जाती है और चरणों के नीचे दो केसर से केसर मिला के चंदन बनाया जाता है, उसके दो गोले बिहारी जी के चरणों के नीचे रख देते हैं। और जब आठ या फिर रात्रि पूरी रात रखेंगे सुबह देखते तो उसमें बिहारी जी के चरणों के निशान रखे होते हैं, निशान लगे होते हैं, ऐसी मान्यता है। मेरा भी परम सौभाग्य रहा है क्योंकि मैं, मेरा आश्रम वृंदावन में है कि मैंने बिहारी जी के चरणों के दर्शन करे हैं बिहारी मंदिर में जाके, ये मेरा परम सौभाग्य रहा है। अगर आप अक्षय तिथि की वजह से, अगर आप लॉकडाउन की वजह से बिहारी जी के मंदिर नहीं जा पा रहे तो मैं ऊपर आपको फोटो लगा के दिखा रही हूँ, आप मन ही मन में बिहारी जी के चरणों के दर्शन कर सकते हैं और उसका पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि सतयुग का प्रारंभ भी इसी दिन हुआ था, साथ ही साथ त्रेता युग का प्रारंभ भी इसी दिन हुआ था। अब मैं आपको बताती हूँ कि अक्षय तिथि वाले दिन आपको करना क्या है। अक्षय तिथि वाले दिन आपको सुबह सुबह उठना है, स्नान करना है, ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, कोशिश कीजिए। ब्रह्म मुहूर्त, हर ऋतु का ब्रह्म मुहूर्त अलग होता है। गर्मी का जो ब्रह्म मुहूर्त होता है, ग्रीष्म ऋतु का जो ब्रह्म मुहूर्त बोला जाता है, वो 4:52 से प्रारंभ होता है, उसके बाद वो 6 तक ब्रह्म मुहूर्त चलता है। आपको पता है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठिए और हो सके तो गंगा जल से स्नान कीजिए। अगर गंगा जल आप गंगा पे नहीं जा पा रहे हो, यमुना में नहीं जा पा रहे हो, तो आप एक बाल्टी में पानी भरिए, उसमें कुछ बूंदे गंगा जल की डालिए और भगवान के चरणों का ध्यान करते हुए उस पावन जल से स्नान कीजिए। तत्पश्चात स्नान करने के बाद आप नित्य नियम कर्म से आप जो भी पूजा करते हो वो पूजा कीजिए। इस दिन विशेष तौर से भगवान विष्णु और लक्ष्मी की पूजा का विधान है। भगवान विष्णु को इस दिन मिश्री दाल और सत्तू का भोग लगाया जाता है। आप पूजा अर्चना वंदना करने के तत्पश्चात भगवान सूर्य को अर्घ दीजिए। मैं आपको पहले ही बता दूं कि भगवान सूर्य को जल नहीं दिया जाता है। लोग कहते हैं कि भगवान को जल चढ़ाया, जल चढ़ाया, जल, गलत बात। भगवान सूर्य को
अर्घ दिया जाता है। अगर आप इस पे भी डिटेल में वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के दीजिए, मैं इसमें डिटेल में वीडियो बनाऊंगी कि भगवान सूर्य को जल कैसे चढ़ाना चाहिए और भगवान सूर्य को प्रणाम कैसे करना चाहिए। लोग भगवान सूर्य को प्रणाम ऐसे करते हैं, बिल्कुल गलत। भगवान सूर्य को प्रणाम दोनों हाथ खोल के ऐसे किया जाता है, हाथों को उठा के प्रणाम भगवान सूर्य को करना चाहिए। अक्षय तिथि की मैं आपसे बात कर रही थी, अगर आप चाहते हो कि इसमें डिटेल में वीडियो बने तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए। अक्षय तिथि वाले दिन आपको भगवान सूर्य को जल देना है, उस जल में आपको कुछ तिल के दाने डालने हैं, उस जल में आपको अक्षत डालने हैं। मैं आपको पहले ही बता दूं कि अक्षत और चावल दोनों चीज़ें अलग अलग होती हैं। चावल जो होता है वो टूटा हुआ भी होता है, लेकिन अक्षत का एक एक दाना साबुत होता है। पंडित जी जब भी आपको पूजा करते होंगे, आपके घर आते होंगे या फिर आपसे मांगते हैं, तो वो अक्षत मांगते हैं, चावल नहीं मांगते। तो आगे से ध्यान रखिए कि अक्षत और चावल दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। उसमें थोड़ा सा अक्षत डालिए, थोड़ा सा गंगा जल डालिए, शहद डालिए, तुलसी का पत्ता डालिए और मीठा के लिए गुड़ डालिए और वो भगवान सूर्य को अर्घ दीजिए, भगवान सूर्य को समर्पित कीजिए। अर्घ देने के बाद तीन पीछे खड़े उसकी भी डिटेल में वीडियो में कभी बनाऊंगी, आप अर्घ दीजिए। उसके बाद आप जो भी कार्य करते हैं अपना नित्य कर्म से कार्य कीजिए। विशेष तौर पर ध्यान दीजिए कि इस दिन सर्वत बांटने का विशेष प्रावधान है, लेकिन लॉकडाउन के चलते अगर आप घर से बाहर नहीं जा पा रहे हैं तो आप भी दान कर सकते हैं। अब मैं ये नहीं कह रही कि आप मुझे दान कीजिए, मेरे को दान की कोई आवश्यकता नहीं है भैया। मैं उससे मांगती हूँ जिससे पूरा दुनिया मांगता है, पूरी दुनिया जिससे मांगती है ना, मैं उससे मांगती हूँ। मैं मांगती हूँ बिहारी जी के चरणों से, मैं मांगती हूँ बिहारी जी से, मैं मांगती हूँ ठाकुर जी से, मैं मांगती हूँ अपने भगवान से। और मेरे ख्याल से मेरे को तो बिन मांगे ही वो दे देता है, मुझे कभी मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ी है। इस बार आपको दान करना है देश के नाम। जी हाँ, देश में इतनी बड़ी आपदा आई हुई है कोरोना वायरस के रूप में, इस बार आप जो दान करेंगे एक दान देश के नाम आपको करना है। इस अक्षय तिथि पर पीएम मोदी के फंड में आपको दान करना है। मैं पीएम मोदी के फंड का डिटेल में नीचे आपको मेंशन कर दूंगी डिटेल की कैसे कैसे आपको दान कर सकते हैं। पीएम मोदी के फंड में आपको दान करना है, आप 11 रुपये से लेकर आपके जितना भी अमाउंट है आप उसमें दान कीजिए। क्योंकि हर बार आप दान करते हो जो लोग बोलते हैं उनको, क्यों ना इस बार दान हम देश को करें, क्योंकि इस बार देश को हमारी जरूरत है। तो इस बार दान कीजिए अक्षय तिथि पर अपने देश के लिए, अपने धर्म के लिए। तो चलिए मुझे दीजिए इजाज़त। जय जय श्री राम, वंदे मातरम, हरी बोल। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारा चैनल यूट्यूब चैनल हरी बोल को सब्सक्राइब कीजिए। जय जय श्री कृष्णा।